मेरा संबंध तो मेरे परदादा जी से उनकी भी शुरुआत थिएटर से हुई थी, हमाज प्रीति थिएटर में जो उनके नाम पर आदत है। बट जैसे यू नो इंडिया अभी कह रहे थे कि हम प्ले देखने आए हैं, प्ले का मनोरंजन इंजॉय करने आए हैं। ये कुमुद मिश्रा है इस प्ले में जो हमारे साथ रॉकस्टार में थे। एंड कोइंसिडेंस की बात यह है कि तमाशा फिल्म में जो मेरा किरदार है वेद, उसके प्रेशर्स तो बहुत हैं कि उसको ये करना है, प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, इंजीनियरिंग करना है, मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने, पर उसका जो दिल चाहता है वो एक थिएटर डायरेक्टर बने। तो आई थिंक एक अच्छा संबंध है थिएटर के साथ, प्लेस के साथ। बहुत खुशी है कि आज ही अच्छी लंदन से आया हूँ कल रात को, और आज पहले ही दिन इम्तियाज ने 3 टिकटें खरीदी थी कौमुदी प्ले की। तो हम बहुत खुश हैं कि हम पृथ्वी फेस्टिवल के दूसरे दिन यहाँ आ सकते हैं और ये प्ले का। I think, yes, I have watched plays before, but this is my first time here at Prithvi Theatre. And for me, this is a little bit of a surreal moment because I always wanted to watch a play at Prithvi Theatre with the two of them together. So it's sort of like, you know, a dream coming true. And I'm happy that I'm getting this experience. And I think more than anything, I think as an actor, it's just exciting to see different people do different kinds of work. And I've only been exposed to the movies, and it's fun to see like theater and you know. दोनों रणबीर और दीपिका ने, मगर खास करके रणबीर ने अपने कैरेक्टर में जो वेद वर्धन साहनी का वो कैरेक्टर कर रहे हैं उसमें उन्होंने स्टेज के तरह की परफॉर्मेंस की है, पहली बार की है। एक्चुअली दीपिका ने भी एक, अभी हम लोग कल ही बात कर रहे थे अबाउट Deepika's first experience to be on stage and perform in front of a live audience, that also happened in Tamasha. So the film is called Tamasha because it has to do with the theatrical way of telling a story.